असल स्टूडेंट्स माएन में सर वाजिद एंड आई एम हेर टू डिलीवर अ लेक्चर फॉर क्लास टेंथ केमस्ट्री चैप्टर नंबर सिक्सटीन केमिकल इंडस्ट्रीज़ और चैप्टर नंबर सिक्सटीन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में चार इंडस्ट्रीज़ हैं मेटलर्जी सालवे प्रासेस इंडस्ट्रियल पर्परेशन ऑफ यूरिया और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोलीम इसमें मेटलर्जी में कॉपर की मेटलर्जी कॉपर को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना इसको रिफाइन करना और इसकी कास्टिंग दैट इज़ द मेटलर्जी ऑफ कॉपर अब कॉपर मेटल ये मुख्तलिफ़ मिनरल्स के फार्म में अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है तो इसकी एक्सट्रैक्शन इनके ओर से कॉपर को सेपरेट करने के लिए जो हम ओर यूज़ करते हैं वो ओर्स यहाँ उनकी लिस्ट गिवन है कीप इन माइंड दैट ओर इज मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल तो कॉपर को जिन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें एक और कॉपर पायराइट और चैलको पायराइट है इसका फार्मूला है सी यू एफ ई एस टू दूसरा ओर साइट है सी यू टू एस इसको कॉपर ग्लांस भी कहते हैं तीसरा और मेलेशाइट ग्रीन कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स है एजुराइट ब्लू कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स और बोरनाइट ओर कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का ओर इसको पीकॉक ओर भी कहते हैं और मेलाकोनाइट कॉपर ऑक्साइड सी यू ओ ये वो ओरस हैं जिनसे कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और कीप इन माइंड कि ओर इज दैट मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर कॉपर को उसके ओर से अलग करना लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपर इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉपर पाई राइट सी यू एफ ई एस टू बाय स्मेल्टिंग मैकेनिज्म ओर कंटेनिंग फोर परसेंट और मोर कॉपर आर ट्रीटेड बाय स्मेल्टिंग प्रोसेस Very poor ores are treated by hydro metallurgical processes. ये इतने जितने भी ores मैंने आपको बताए हैं इसमें copper की percentage बहुत कम होती है इसलिए उनको poor ores कहते हैं और उनसे impurities को remove करने के लिए जो mechanism use करते हैं that is hydro metallurgical process, जिसको फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस बोलते हैं जो आगे हम इसमें पढ़ेंगे अब जो कॉपर की एक्सट्रैक्शन में मेन स्टेप्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और रॉक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले उसको क्रश करना और फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना नेक्स्ट स्टेप इसकी कंसेंट्रेशन है कॉपर ओर को कंसेंट्रेट कंसनट्रेट करते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स द रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज फ्राम ओर और इसके लिए फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं द फाइनली Crushed ore is concentrated by flo froth flotation process. this froth flotation process mein kya karte hai? Jo powder farm mein ore. Hai. The crushed ore is suspended in water containing little amount of pine oil. The blast of air is passed through the suspension. The particles get wetted by oil and floats as a froth which is skimmed off. उस कंटेनर में आयल और थोड़ा सा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कॉपर कंटेनिंग पीसिस ऑयल में एबजॉर्ब हो जाते हैं एंड विद डिटर्जेंट एंड वाटर दे फॉर्म फोम जिसको फ्राथ बोलते हैं झाग बन जाती है और वो सरफेस पे आके फ्लोट करती है इस वजह से इसका नाम फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस रखा गया है वो जो फ़्राथ है जो झाग है वो कंसनट्रेटेड और है द गेंगी मीन द अनवॉन्टिड मटीरियल सिंग्स टू द बॉटम दैन रिमूव्ड प्रोडक्शन ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट अप्रॉक्सीमेट कॉपर कंटेनिंग पाउडर इन दिस स्टेज यानी ट्वेंटी फाइव परसेंट कंसनट्रेटेड ओर हमें जिसमें कॉपर मौजूद होता है ये उस मेकेनिज्म का स्केच है इसमें ये एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पाउडर और डालते हैं और उसमें फिर हार्ट एयर ब्लो करते हैं जिसकी वजह से यहाँ फ्रात की फार्मेसन होती है फोम की फार्मेशन होती है और ये जो फोम है ये उसके सरफिस पे फ्लोट करता है इट कंटेन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट कार्बन अब ये जो कंसेंट्रेटेड ओर है इसको फर्दर मेटलर्जिकल प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है रोस्टिंग रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ एन ओर इन एयर द कंसेंट्रेटेड ओर ऑफ कॉपर इज देन रोस्टेड इन अ फर्नेस बिटवीन 500 हंड्रेड टू सेवन डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ करंट ऑफ एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में sulfur is oxidized to sulfur dioxide and the impurities of arsenic and temni sb are removed as volatile oxides the following reaction takes place during this roasting copper pyrite ore it decomposes to copper sulfide and iron sulfide and sulfur dioxide gas agar impurities have sulfur के पार्टिकल्स हैं तो दे आर ऑक्सीडाइज टू सल्फर डाइऑक्साइड आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज टू आर्सेनिक ऑक्साइड और एंटेमनी की इंप्योरिटीज़ एंटेमनी ऑक्साइड्स ये ऑक्साइड वोलेटाइल हैं गेशियस स्टेट में ये रिमूव हो जाते हैं क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड आर फर्दर ऑक्सीडाइज टू देयर ऑक्साइड्स जो सल्फाइड्स हैं उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है इसलिए इन सल्फाइड्स को पहले कन्वर्ट करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन इसी रोस्टिंग में

सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं और इसको ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं द हॉट एयर इज ब्लास्टेड एंड आयरन ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इंटू फेरस सिलीकेट क्योंकि हमें कॉपर ओर चाहिए मेटल चाहिए आयरन नहीं चाहिए तो आयरन को आयरन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है एंड दे प्रोड्यूस आयरन सिलिकेट इसको स्लैग भी बोलते हैं आयरन सिलिकेट या इट इज़ नोन एज स्लैग स्लैग जो है इसकी डेंसिटी कम है इट फ्लोट्स ओवर द मोल्टन मैट ऑफ कॉपर ये मोल्टन मैट ऑफ कॉपर के ऊपर फ्लोट करता है अ मैट ऑफ 60 परसेंट कॉपर कंटेनिंग हैज बीन प्रोड्यूस्ड अब इस मैट की कंपोजिशन पर क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन क्यूप्रस सल्फाइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड ये जो मिक्सचर है दैट मिक्स मिक्सचर इज नोन एज मैट अब सारा कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में चेंज नहीं होता कुछ कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड में चेंज हो जाता है uh, सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है लेकिन कुछ कॉपर सल्फाइड में ही रहता है द कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड देन टू बेसेमेराइजेशन प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप जो कॉपर मेटलर्जी में है दैट इज बेसेमेराइजेशन कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोल्टन मैट थ्रू बेसेमेराइजेशन द मैट विच कंटेन कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड इज इंट्रोड्यूस टू बेसिमर कन्वर्टर जो फर्नेस यूज करते हैं बेसिमर कन्वर्टर कहते हैं विच अपलोड बाय टायर इज इसमें हॉट एयर के पाइप्स इंट्रोड्यूस करते हैं द एयर इज ब्लोन थ्रू द मोल्टन मैट द ब्लास्ट ऑफ एयर कन्वर्ट्स क्यूपरस सल्फाइड इंटू क्यूपरस ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद रिमेनिंग कॉपर ऑक्साइड टू गिव मोल्टन कॉपर ये रिएक्शन होते हैं इस फर्नेस में कि कॉपर सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होती है कॉपर ऑक्साइड में और फिर कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड जिसको मोल्टन मैट हम कहते हैं ये रिएक्ट करके एक मोल्टन कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं अब यहाँ जो बेसमर कन्वर्टर है ये बेसमर कन्वर्टर का एक स्केच है यहाँ इसमें हार्ट एयर ब्लो करते हैं मोल्टन मैट में से हार्ट एयर जब ब्लो करते हैं तो उसमें ये रिएक्शन होते हैं कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में चेंज होता है एंड कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड रिएक्ट टू फॉर्म मोल्टन मैट इस मोल्टन मेट में सल्फर डाइऑक्साइड भी कॉपर में मोर्टन uh, कॉपर में सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती हैं जिसके मॉलिक्यूल जब बाहर जाते हैं तो दे फॉर्म ब्लिस्टर्स ऑन द सर्फेस ऑफ मोर्टन कॉपर इसलिए द कॉपर ऑपटेन फ्राम बेसमर कन्वर्ट इट इज कार्ड मोल्टन द ब्लेस्टर्ड कॉपर इसके बाद जो इम्प्योरिटीज कार्बन में होती हैं वो इम्प्योरिटीज कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंट्स थर्मल कंडक्टेंट्स और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं तो बिफोर यूज़ दे आर टू बी रिमूवड इस प्रोसेस को रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कहते हैं इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं आरसिनिक की लेड, जिंक की लेड की सिल्वर की गोल्ड की इम्प्योरिटीज़ मौजूद होते हैं और इनको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज़ करते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट का एक्व सोल्यूशन एनोड इम्प्योर कार्बन से कॉपर से बनते हैं जबकि कैथोड बनाते हैं प्योर कॉपर से यहाँ एनोड और कैथोड के ऊपर रेडाक्स रिएक्शन होते हैं और इन रेडाक्स रिएक्शन में एनोड के ऊपर जो इम कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन होती है कॉपर आयन के फॉर्म में दे आर रिलीज इन सॉल्यूशन। कैथोड पे कॉपर के आयन की रिडक्शन होती है एंड दे आर चेंज इन टू कॉपर ये मोल्टन कॉपर जो कि प्योर कॉपर है कैथोड के ऊपर यहाँ इसकी जब रिडक्शन होती है साइन की, की तो यहाँ ये डिपॉजिट होते हैं इस वजह से एनोड का साइज डिक्रीज होता जाएगा साथ साथ और कैथोड का साइज इंक्रीज होगा और फिर प्योर फॉर्म में कॉपर हम अपटेंड करते हैं एट कैथोड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस साइज ऑफ एनोड इंक्रीजेज साइज ऑफ कैथोड साइज ऑफ एनोड डिक्रीज क्योंकि एनोड डिजॉल्व हो जाता है साइड ऑफ साइज ऑफ कैथोड इंक्रीजेस और जो कॉपर सल्फेट के का ब्लू कलर है इट गेट्स लाइट तो ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर के साथ रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी आई होप आपको समझ आ गई होंगी अल्लाह हाफिज़